आपके लिप्स ही पिगमेंटेड है, आप लोग सोचते हैं कि कैसे इसको हाइड करें। ये है स्टेन वाला लिप ग्लॉस। कैन यू इमेजिन कि लिप ग्लॉस हट जाने के बाद भी आपके लिप्स ऐसे ही पिंक रहे, क्योंकि ये अपना एक स्टेन छोड़ता है जो कि आपके लिप्स को ऑल डे लॉन्ग पिंक बनाए रखता है। या फिर आप लोग को प्रूफ दिखाती हूँ, ये मैंने ग्लॉस अप्लाई कर लिया है, अभी ये थोड़ी सी टाइम हो गया है, मैं इसको हटाऊंगी। मैंने इसको हटाया, ओके। Now see guys, this is the magic। मैंने इसको हटा दिया, आप देख सकते हैं ये कहीं से भी ग्लॉसी नहीं है, क्योंकि मैंने इसका पूरा ग्लॉस हटा दिया है। लेकिन इसकी स्टेन देखिए गाइज, ये पूरे कितना ज़्यादा पिंकी हो गया है मेरे लिप्स। ये बॉडी के पीएच के हिसाब से कलर चेंज करता है। मैं सो अगर आप भी चाहते हैं पूरे विंटर आप ऐसे ही ग्लॉसी लिप ग्लॉस अप्लाई करके बहुत अच्छे अच्छे लुक्स क्रिएट करें, क्योंकि हम सभी को पता है विंटर में सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है लिप ग्लॉस। ये आपके लिप्स को हाइड्रेटेड रखता है, ड्राई नहीं होने देता। एंड पी एज वाला लिप ग्लॉस जो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रही है, आप देख सकते हैं, सो ग्लॉसी। आई एम सो 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 हैप्पी। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ, मेन पार्ट इज ग्लॉस तो हट जाता है, अगर आप कुछ भी खाएंगे पीएम ग्लॉस हट जाता है, फिर आपको रीअप्लाई करना पड़ता है। लेकिन अभी आपको नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये है एक पी एज लिप ग्लॉस, या फिर मान लो एक स्टेन वाला लिप ग्लॉस। सो ये लिप ग्लॉस हट जाने के बाद भी आपके लिप्स पे ये स्टेन छोड़ देगा, जैसे कि आपके लिप्स हमेशा ऐसे ही पिंक कलर के रहेंगे। साथ नहीं करूँगी, जल्दी जल्दी आप लोगों से दिखा देती हूँ। करके बैठी हुई हूँ एंड दिस इज एक्वालॉजिकल लिप ग्लॉस। सो 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 हैप्पी टू बाय। मैं बहुत दिनों से ऐसे ही एक लिप ग्लॉस परचेज करना चाहती थी, जो कि पीएच के हिसाब से आपके लिप्स को कलर भी देगा और एक स्टेन भी छोड़ेगा। सो मैंने फाइनली इसको परचेज कर लिया है, एक्वालॉजिका का। ये मैंने मिंत्रा के सेल में परचेज किया, मुझे बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिला। आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते मुझे कितने ज़्यादा डिस्काउंट मिले, इसलिए मैं आप लोग बैठी हूँ। प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, मैं ऐसे ही बहुत सारी चीज़ खुद भी परचेज करती हूँ सेल में बहुत ज़्यादा डिस्काउंट में, और मैं आप सभी लोगों से शेयर भी करती हूँ। सो प्लीज़ कर लो गाइज, आप भी अगर ऐसे ही परचेज करना चाहते हो तो। सो इसका शेड है वाटरमेलन स्लिक, और भी एक इसका फ्लेवर है वो थोड़ा सा यू नो पीची कलर में आता है, ये पूरा पिंक कलर में आता है। और ये 2026 तक इसकी लाइफ है, मतलब ये 2 साल ये चलेगा। तो इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा थिक है। आप यहाँ पे देखिए ग्लॉसी है गाइज, अपने लिप्स पे अप्लाई करूँगी और इसकी मेन बात ये है कि आपको ये ज़्यादा क्वांटिटी में लेने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत कम क्वांटिटी आप देख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक लिप ग्लॉस है, पैकेजिंग भी सुपर सुपर कूल है, और इसके एक फ्रेग्रेंस है बहुत ही हल्का सा वाटरमेलन का स्मेल है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। अभी मैं आप लोग को प्रूफ दिखाती हूँ, ये मैंने ग्लॉस अप्लाई कर लिया है, अभी ये थोड़ी सी टाइम हो गया है, मैं इसको हटाऊंगी, क्योंकि लिप्स में उतना भी ज़्यादा आप लोग को समझ नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पर अपने हैंड स्वच में करती हूँ, पूरी पिंक स्टेन इसने यहाँ पर छोड़ दिया है। ऐसे ही नेचुरल वाला पिंक कलर आपके लिप्स पर बहुत टाइम तक स्टे करे तो कैसा लगेगा। डिनर या फिर लंच पर जा रही है तो ये एक आइडियल होगा, क्योंकि आप लोग खाना भी खाएंगे, ये अगर हट भी जाएगा फिर भी आपके लिप्स पे ऐसे स्टेन होंगे, और आपको सबके सामने बैठ के ऐसे मिरर में लिपस्टिक लिप ग्लॉस ज़्यादा अप्लाई भी नहीं करना पड़ेगा। एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट इसलिए है क्योंकि ये स्टेन भी रहता है, बहुत कम भी इसको यूज़ करना होता है, बहुत दिन तक ये चलता भी है, तो इसको रीअप्लाई करने के लिए भी इसको खर्च नहीं करना पड़ता है। तो ये इतना ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट है, मैं बहुत दिन से सोच रही थी लूँ या ना लूँ, लू या ना लूँ, लेकिन फाइनली मुझे इतना ज़्यादा डिस्काउंट में ये मिल गया तो मैंने झट से परचेज कर लिया। इसकी कलर बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है, और इसकी दोनों ही जो शेड है दोनों ही बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, हर एक इंडियन स्किन टोन पे अच्छी लगेगी। अगर आप बहुत ज़्यादा फेयर है, डस्की है, या फिर मीडियम स्किन टोन में भी आते हैं, तब भी ये वाला कलर आपको बहुत अच्छे से सूट होगा। एक और भी फ्लेवर आता है पीची टाइप का, वो भी बहुत अच्छा कलर देता है, क्योंकि इसमें कलर ज़्यादा वैरी नहीं करता है, ये बॉडी के पीएच के हिसाब से कलर चेंज करता है। ऑलमोस्ट सभी बॉडी के पीएच के हिसाब से ये पिंक कलर ही छोड़ेगा गाइस। सो पिंक कलर तो आएगा ही आएगा, लेकिन इसमें ये खुद का पिंक है इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा डीप पिंक आएगा। इसका जो और एक वेरियंट आता है ये, इसमें थोड़ा सा हल्का वाला फील आएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके इसमें ज़्यादा पिगमेंटेशन नहीं है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा नेचुरल पिंक लिप्स है आपके, तो आप लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। और आपके लिप्स पे बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, और थोड़ा सा ज़्यादा मतलब पिंकी वाला लुक चाहते हैं बहुत डीप कलर की, तो आप लोग इसे परचेज कर सकते हैं। कि प्राइस मैं यहाँ पर मैंशन कर दूँगी, और यहाँ पर मैं डिस्काउंट वाला भी मैंशन कर दूँगी कि बहुत ज़्यादा अच्छे डिस्काउंट में मुझे मिला है। तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब अंडर कॉन्फिडेंट फील होता है कि आपके लिप्स की पिगमेंटेशन दिख रही है, आप बार बार अप्लाई करते हैं, अभी नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये स्टेन छोड़ देगा गाइस। अगर ये उड़ भी गया और इसका स्टेन छोड़ देगा, और आपके पिगमेंटेशन को ये हाइड करके रहेगा। आपके लिप्स में पिगमेंटेशन है तो उसका भी कोई झंझट अब से मानो नहीं होगा, क्योंकि ये पिगमेंटेशन को भी हाइड करेगा बहुत ज़्यादा अच्छे से। और मैं इसको दोबारा से स्वच करती हूँ, ठीक है, लुक
थोड़ा सा, ये देखिए कितना ज़्यादा पिंक है, मतलब कितना भी ज़्यादा आपकी पिगमेंटेशन हुई सबको हाइड कर देगा, बहुत अच्छे से लिप को ग्लॉसी बनाएगा। मुझे तो मेरे लिप्स बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, मैंने कभी लिप ग्लॉस अप्लाई नहीं किया या फिर ग्लॉसी वाला लुक नहीं किया, लेकिन मैंने जस्ट फर्स्ट अप्लाई किया। और आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल एंड ऑल्सो सब्सक्राइब इंस्टाग्राम पेज, सो वहाँ पर मैं बहुत सारे ऐसे डिस्काउंट के प्रोडक्ट्स आप लोगों को सजेस्ट करती रहती हूँ। सो अगर आपको पसंद आए तो कमेंट कीजिएगा, कोई भी क्वेरीज हो तब भी कमेंट कीजिए। तो अभी के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।